मुरादाबाद के थाना कांड क्षेत्र के कस्बा कांड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महीने में दो बार नसबंदी कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए नसबंदी कैंप में शासन की सहायता से नसबंदी कराने वाले को आर्थिक मदद व सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें सरकार महिलाओं को नसबंदी के दौरान 2,000 रुपये व पुरुषों को 3,000 रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में दे रही है। साथ ही मरीज लाने वाले को 300 व 400 रुपये की राशि दी जा रही है। वहीं इस बात पर करते हुए स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य पर्यवेक्षक भगवान सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी कैंप लगाया गया है, जो महीने में दो बार लगाया जाएगा, जिसमें महिलाओं की नसबंदी की सुविधा तो चलती ही थी, लेकिन डॉक्टर रविंद्र कुमार ने कांट स्वास्थ्य केंद्र में पुरुषों की नसबंदी का भी बंदोबस्त किया है, जिसमें कांट स्वास्थ्य केंद्र में इस बार 16 महिलाओं की व एक पुरुष की नसबंदी हुई है। अगला कैंप 22/11/2022 को लगाया जाएगा। और क्या कुछ कहा पर्यवेक्षक भगवान सिंह ने, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। अच्छा, ये जो नसबंदी कैंप लग रहा है अस्पताल में, इसके जरा क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या है सहायता गवर्नमेंट से मिली हुई नसबंदी वालों को? इसमें ऐसा है, महिला नसबंदी के लिए 2,000 रुपये सरकार से सहायता मिलती है, और इसमें जो लाता है मोटिवेट करता है उसे 300 रुपये महिला के लिए। महिला के लिए 2,000 रुपये और जो उसे मोटिवेट करता है, जो लाता है केस के, उसके 300 रुपये अलग। पुरुष के लिए? पुरुष के लिए 3,000 रुपये हैं, और जो उसे मोटिवेट करता है उसके उसे मिलते हैं 400 रुपये। अच्छा, पेशेंट को क्या सहायता मिलती है? सहायता और क्या, गवर्नमेंट से जिसकी नसबंदी हो रही है उसके लिए क्या अनुदान देती है गवर्नमेंट? बता तो रहे हो, यही तो है। नहीं, ये तो लाने वाले के लिए बता रहे हैं ना। 300 रुपये उसके, 2,000 रुपये सहायता। अच्छा अच्छा, और कोई सहायता इसके अलावा दी जाती है? और क्या सहायता, और ट्रीटमेंट होता ही है उसका, इलाज चलता ही है। महीने में कितने दिन कैंप लगता है? महीने में एक कैंप मिल जाता, दो भी मिल जाते हैं। आपके इस महीने में दो हैं, पिछले महीने में एक था। अच्छा, 14 तारीख में जो कैंप लगा था, इसमें कितने पेशेंटों की नसबंदी हुई? इसमें हमारी हुए 16 महिला की और एक पुरुष की, टोटल 17। एक रिजेक्ट हो गया था, 18 थे हमारे एंट्री। अच्छा, 18 कैंप रजिस्ट्रेशन है। अब अगला कैंप कौन सी तारीख में? 22/11 में। 22/11 में, 2022 में। अच्छा, इसका क्षेत्र वाइज लगता है या कहीं से भी मरीज आ सकता है? कहीं से भी आ सकता, कहीं से, आउट ऑफ ब्लॉक भी आ सकता है, जहाँ से जिसकी इच्छा करे। लेकिन यहाँ एक सुविधा अच्छी हुई, मेल जो पुरुष नसबंदी वो हमारे यहाँ अभी डॉक्टर साहब रविंद्र ने उन्होंने चालू करी है, पहले से मुरादा जाते थे, वो बहुत अच्छा करा इन्होंने। अच्छा, मरीजों के लिए खाने पीने की व्यवस्था क्या रहती है? मरीजों के लिए बस एक टीम को नाश्ता मिलता है उसमें बस। कितने दिन एडमिट रहना पड़ता है मरीज को? नहीं, एडमिट नहीं, नसबंदी हुई और लगभग जैसे ही उन्हें होश आया नशे का, एक दो घंटे में 108-102 पहुँचा देती है एम्बुलेंस हर समय। कोई परेशानी, कोई किसी को दिक्कत, कोई परेशानी है तो उसे एडमिट कर लेते हैं। वैसे हुई नहीं है आज तक ऐसी कोई दिक्कत, 2-3 घंटे में उन्हें अपने साइड बाई गाड़ी ले जाती है। कांट में ये योजना कब से चल रही है? तो बहुत पहले से है वो, तो हमारे 99 से पहले है, आज से नहीं है, तो बहुत पहले से। नहीं, इस अस्पताल में सुविधा कब से चालू हुई? बहुत दिन से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।